मेरे पीछे आप ये जो टूटे हुए घर देख रहे हैं, ये कोई बीती हुई सभ्यता की निशानी नहीं है। ये अभी यहाँ पर लोग रह रहे थे और ज़मीन खरीद करके लोगों ने अपना घर बनाया था, उसके बाद ये घर जो है सो तोड़ दिया गया है। 2 साल के बाद में ना कोई नोटिस ना कोई सूचना, अचानक एकदम बुलडोजर ला के प्राधिकरण और सारे मकान ढा दिए। ना कोई सूचना, सामान भी घर से नहीं निकालने दिया लोगों का, बर्तन भड़वा सब थे, सब नौकरी वाले आदमी भी नौकरी करते हैं, औरतें भी नौकरी करते हैं। और 2 साल की किस्त पे मैंने ज़मीन खरीदी है, 9,500 रुपया गज के हिसाब से हमने 2 साल की किस्त पे ज़मीन खरीदी है। और डीलर ने हमको ज़मीन दी, डीलर ने हमको कागज़ दिखाए, हमने कागज़ तहसील में चेक करवाया जाके, बाकायदा 105 खसरा नंबर उन्होंने दिखाया, पदम सिंह के नाम पर ज़मीन थी, उसी ज़मीन के आधार पर हमने ज़मीन खरीदी, मेरी रजिस्ट्री भी हो गई है। और इस ज़मीन खरीदने में हमने सरकार को भी पैसा दिया, मैंने 17,000 का मेरा स्टाम्प लगा है, वो भी सरकार को दिया है। अगर ये ज़मीन प्राधिकरण की है तो 2 साल से प्राधिकरण कहाँ था, किसी ने बताया? मैं तो आंटी ने दिलवाया था, 86 में रह रही थी मकान में, उसे उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि लो, हमें तो पता नहीं था, हमने तो उन्हीं के विश्वास पे लिया, उन्हें विश्वास पे लिया, कुछ नहीं पता था कि गलत है या सही है, कुछ भी हमें पता नहीं था, हमने बस आंटी पे भरोसा करके ली। वही फंसा के चली गई हम लोगों को कि चलो बहुत अच्छी जगह है, ले लो ले लो, अब गलत है या और घर सही से गांव तो से जमीन बेच बेच के हम लोगों ने प्लॉट लिया, ये हाँ घर की बर्बाद करे आए और यहाँ तो अभी तक जेवर पड़ा है, हमने छुटा नहीं पाया है। 4,00,000 रुपया कैश दिया और मेरी तो रजिस्ट्री तक नहीं हुई अभी। हमने पहले भी पूछा गया कि मतलब अवैध तो नहीं है ये, ऐसा ना बोली, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे नाम जमीन है, हमारा वो है यानी, तब हमने ख़रीदा है। अगर अवैध थी, मैं पूछ रहा हूँ ये बात, अवैध थी ये ज़मीन तो अथॉरिटी ने रजिस्ट्री की, तो किस बात की ये 56,000 मेरे किस बात के लिए? अवैध थी तो पहली बार रजिस्ट्री होने ही नहीं चाहिए ना। ये घर अथॉरिटी वाले आए, अथॉरिटी वाले ने तोड़ दिया, बताया जो है वो भी टूट जाएंगे, ये बोले अथॉरिटी वाले ने। और हम लोग तो अभी किराए पर रहे, हम तो मकान वाले बनाने के उसमें थे, अब बना रखे थे, फिर बोले जो अथॉरिटी वाले आए तो बोले जो नहीं, जो अभी यहाँ पे कोई मकान नहीं बना सकते हैं। स्टार बेटा वो भी सरकार का ही है, तो उसको बोलना चाहिए था ये ज़मीन सरकारी है, आप क्यों खरीद रहे हो, लेकिन नहीं, हम लोगों को तो बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारा 4-5 लाख रुपया की जब मैंने 5 लाख की ज़मीन खरीदी सर, 2-2.5 लाख रुपया घर से मजूरी करके, घर से जेवर अपना गिरवी रखे हमने थोड़ी बहुत झोपड़ी बनाई, सो सब तहस नहस कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, सरकार से अनुरोध है मेरा फैसला किया जाए, अगर प्राधिकरण की ज़मीन है तो हमारा इंसाफ किया जाए, हमको हमारा पैसा दिया जाए, मैं ज़मीन छोड़ दूँगा। जिन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीद करके घर बनाया है वो मजदूर हैं, डेली दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, किसी तरीके से पेट काट करके उन्होंने अपना सपना देखा था घर बनाने का, लेकिन फिर भी इनका सपना जो है किसी ने कुचल दिया। आखिर गलती किसकी है, ये सवाल कर रहे हैं यहाँ के लोग कि हमने पैसा दिया है फिर भी हमारा घर क्यों तोड़ा गया। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।